नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट और 3B की लेट फीस, इन दोनों के बीच में शायद कंफ्यूज हो गया है और अब हम सबको भी कंफ्यूज कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको तीन चीजें दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद बोलोगे जी हाँ आप एकदम सही बोल रहे हो। दोस्तों, तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। अगर अभी भी आपको डाउट है जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट में, लेट फीस में, तो आइए चलिए मेरे साथ और ये वीडियो देखते हैं एंड तक। दोस्तों, पोर्टल पे आपके सामने अभी क्या दिखा रहा है, पोर्टल जीएसटीआर 1 अप्रैल मंथ की दिखा रहा है, 26 मई ड्यू डेट, एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 3B अप्रैल मंथ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अप्रैल मंथ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, असीसी है 5 करोड़ से नीचे वाला, असीसी है 5 करोड़ से नीचे वाला, जिसके लिए कुछ 30 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दिया था, जिसके लिए कुछ 30 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दिया था। तो अप्रैल की रिटर्न की 3B की ड्यू डेट होती है जनरली 20 मई, 20 मई, पोर्टल यहाँ पे दिखा रहा है 19 जून, 30 दिन उसने जोड़ लिया और यहाँ पे ड्यू डेट दिखा रहा है 19 जून। तो अब मैं पोर्टल से पूछना चाहता हूँ कि क्या सही में ड्यू डेट बढ़ी है, क्या सही में ड्यू डेट बढ़ी है, क्या नोटिफिकेशन में ऐसे शब्द का इस्तेमाल हुआ था ड्यू डेट, क्या जो सीबीआईसी ने क्लेरिफिकेशन दी थी उसमें ये बोला था। आइए, इवन आपका पोर्टल दूसरी जगह कुछ और बोल रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, दो यहाँ पे न्यूज दी हुई है, एक्सटेंशन इन डेट्स, तो एक्सटेंशन इन डेट्स वाला हम पढ़ते हैं। इसमें कहीं पे भी एक्सटेंशन इन ड्यू डेट, एक्सटेंडेड टिल ड्यू डेट, इसमें कहीं पे भी 3B का उल्लेख क्यों नहीं है? अगर 3B की ड्यू डेट बढ़ी है तो इसमें 3B की बात क्यों नहीं है? GSTR1 की बात है, IFF की बात है, 5, 4, 4, 5, 6, 7, 8 की बात है, क्योंकि GSTR1, IFF, GSTR4, 5, 6, 7, इनकी ड्यू डेट बढ़ी है, इनकी ड्यू डेट बढ़ी है, लेट फीस वेव नहीं हुई है, ड्यू डेट बढ़ी है। तो ड्यू डेट बढ़ गई तो इनके तो लेट फीस उतने पीरियड की वैसे ही नहीं लगेगी क्योंकि ड्यू डेट बढ़ी है इनकी, इसलिए जो पोर्टल यहाँ पे GSTR1 के लिए दिखा रहा है 26 मई 2021, दैट इज करेक्ट, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे 19 छह 2021, आइए इसके लिए भी मैं आगे आपको और दिखाता हूँ। अब 3B की बात करते हैं दोस्तों, वेवर ऑफ इंटरेस्ट, वेवर ऑफ इंटरेस्ट क्या हेडिंग है, वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर टू नॉर्मल टैक्स पेयर एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर, यहाँ पे वर्ड क्या है, वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फीस, लेट फीस और इंटरेस्ट का वेवर, यहाँ पे ड्यू डेट की बात नहीं हुई है। तो देखिए दोस्तों, रिलैक्सेशन इन फॉर्म GSTR 3B, अगर आपका आप टर्न ओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो वेवर ऑफ लेट फीस टिल 4 जून, 4 जून 2021 तक लेट फीस का वेवर है, मतलब यहाँ तक लेट फीस नहीं लगेगी, यहाँ तक लेट फीस नहीं लगेगी, इसके बाद भरोगे तो लेट फीस लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ड्यू डेट बढ़ी है, केवल लेट फीस वेव हुई है। और दिखाता हूं मैं ऐसा आपको क्यों बोलने जा रहा हूं, आइए सीबीआईसी का आपको मैं ये पढ़ाता हूं, इनका नोट करना, जहां मैं मार्क लेके जा रहा हूं नोट करना दोस्तों, जो जो वर्ड्स में लेट फीस वेव, सबसे पहला वर्ड देखो, एग्रीगेट टर्न ओवर अबाउ ₹5 करोड़, इसमें क्या किया है, लेट फीस वेव्ड, लेट फीस वेव्ड करी है इन्होंने, ड्यू डेट वर्ड नहीं है, लेट फीस वेव्ड फॉर 15 डेज, 15 दिन के लिए लेट फीस वेव्ड हुई है जी, 15 दिन के लिए लेट फीस वेव्ड हुई है इन रेस्पेक्ट ऑफ 3B, इन रेस्पेक्ट ऑफ 3B, टर्न ओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो, टर्न ओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो लेट फीस वेव्ड हुई है, ये मैं वर्ड्स काट रहा हूँ, लेट फीस वेव्ड हुई है जी 15 दिन के लिए, ये देखिए आप फॉर्म 3B की, फर्निश्ड बियॉन्ड ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद भरते हो ना मार्च और अप्रैल की, और आप 5 करोड़ से ऊपर वाले हो बियॉन्ड, चलो अब चलते हैं 3-5 करोड़ तक वाले में, एग्रीगेट टर्न ओवर अप टू ₹5 करोड़, लेट फीस वेव्ड फॉर 30 डेज, 30 दिन के लेट फीस वेव कर दी है, फर्निश्ड बियॉन्ड ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के बाद भरते हो 30 दिन तक, बियॉन्ड ड्यू डेट के बाद भर रहे हो तो 30 दिन के लिए फॉर 30 डेज, नॉट 30 डेज के लिए लेट फीस वेव है, फॉर 30 डेज लेट फीस इज वेव, नॉट ड्यू डेट एक्सटेंशन। अब आपका ये डाउट और आएगा कि अगर हम इस 30 डे के बाद भरते हैं तो क्या ड्यू डेट से लेट फीस लगनी चाहिए, तो क्या ड्यू डेट से लेट फीस लगनी चाहिए? दोस्तों, अगर मैं लैंग्वेज पढ़ूं तो लैंग्वेज के हिसाब से तो ड्यू डेट से नहीं लगनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो उस 30 दिन या 15 दिन की पीरियड एक्स्ट्रा खत्म होने के बाद लगनी चाहिए, क्योंकि यहां पे लिखा है बियॉन्ड ड्यू डेट फॉर 30 डेज, लेट फी वेव्ड फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए लेट फीस वेव कर दी है, अगर आप ड्यू डेट के बाद भर रहे हो तो मैं ड्यू डेट के बाद भर रहा हूं तो 30 दिन के लिए तो वेव है, आगे के 30 दिन के लिए वेव है, आगे भरूंगा तो लगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी नहीं है, इंटरप्रिटेशन सबकी अलग अलग निकल सकती है, लेकिन इतना मैं श्योर शॉर्ट आपको बोल सकता हूं कि ड्यू डेट तो नहीं बढ़ी है 3B की, एकदम क्लियर है, इसमें बात कोई डाउट ही नहीं है,
ड्यू डेट नहीं बटी है, पोर्टल यहां जो दिखा रहा है आपको, पोर्टल यहां जो दिखा रहा है, कहां दिखा रहा है दोस्तों, पोर्टल यहां पे, जी हां पोर्टल, एक सेकेंड रुकिए दोस्तों, पोर्टल जो आपको दिखा रहा है यहां पे, ये जो पोर्टल आपको दिखा रहा है, ये जो 19 तारीख दिखा रहा है, गलत है, गलत है, टोटली गलत है। ड्यू डेट 20 मई ही आनी चाहिए यहां पे, 19 जून गलत दिखा रहा है। एक दो दिन में जब पोर्टल वाले भी अपना ये वीडियो देख लेंगे, अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो देख लेना, ये इसको चेंज कर देंगे। ये ड्यू डेट एक्सटेंशन नहीं है 3B की दोस्तों। कोई डाउट हो तो अभी भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दे सकते हो। मैंने अभी ये देखा पोर्टल पे, रात के बज रहे हैं 11, ये देखिए रात के 11 बज रहे हैं दोस्तों, रात को 11 बजे मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि लोगों में भ्रांतियां फैल गई है कि ये ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है, जबकि ड्यू डेट 3B की ना मार्च की एक्सटेंड हुई है ना अप्रैल की एक्सटेंड हुई है दोस्तों। अगर क्लियर है तो लाइक ठोक दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का बटन भी आपके सामने है, दबा दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।